गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम सृष्टि फूड फूड सूरत से। और आज स्ट्रीट फूड मैक्सिकन फूड में हम सीजन 2 पार्ट 2 लेके आए हैं। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि मैक्सिकन स्ट्रीट फूड सूरत में कहाँ पे पॉपुलर है। हम आज वापस से मैक्सिकन फूड लेके आए, लेकिन समथिंग वेरी डिफरेंट जो आपको स्ट्रीट फूड में बहुत ही कम मिलता है। हम आए हैं मैक्सिकन बेस्ट मैक्सिकन वर्ल्ड में, जो आपको लोकेशन मैं बता दूँ तो स्ट्रीट पे ही मिलता है। ये लारी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैक्सिकन फूड मिलता है। आप लोग काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर आए भी होंगे यहाँ पे, और कुछ नए हैं जो आने भी वाले होंगे, तो मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। ये है मेन पिपलोद एरिया, यहाँ पे सामने राहुल राज है। राहुल राज का जो मेन लाइन है, मेन रोड, वहीं पे है। सामने इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर है, IBC जो बोलते हैं, काफ़ी पॉपुलर है। और उसी के सामने आपको बेस्ट मैक्सिकन वर्ल्ड मिलेगा। लोकेशन आप देख रहे हो, चले ट्राई करते क्या है यहाँ पे। आपको मैं बता दूँ तो ये फलाफल का बनने जा रहा है। ये फलाफल का हाइमस सॉस विद हॉट गार्लिक सॉस है। ये फलाफल जो है आपको ज़्यादातर रेस्टोरेंट में देखने मिलता है, ये स्ट्रीट फूड में मिल रहा है। एंड वेरी गुड कि ये पूरा स्टफिंग करके देते हैं। पिटा ब्रेड के अंदर ये जो हाइमस एंड हॉट गार्लिक सॉस है उसके अंदर लगा जा रहा है, और साथ में ये पैटी है वो जाएगी अंदर। एंड ये सलाद, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स होते हैं इसके साथ, वो जाएंगे। ये अच्छा है कि फुल पैक करके देते हैं, वरना मुझे पैकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है ये। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये ग्रिल होता है, लाइक तवे पे ये बटर के साथ ग्रिल होता है, बिकॉज आई डोंट लाइक पिता ब्रेड विथ कच्चा वाला टेस्ट, एंड दिस इज़ वेरी गुड। सो दिस पिता ब्रेड इज़ ग्रिलिंग एंड आई थिंक इट्स रेडी। प्राइस इसकी 160 है। तो मेरे हाथ में ये फलाफल 160 प्राइस है। फलाफल स्ट्रीट फूड मैं पहली बार खा रही हूँ, क्योंकि मैंने फलाफल काफ़ी हाई फाई रेस्टोर या फिर उसी में खाया है। यहाँ पे फलाफल स्ट्रीट फूड पे मैं पहली बार खा रही हूँ। ये आप जो देख रहे हो ये 160 रुपीज़ का है, काफ़ी अच्छा उन्होंने पैक करके दिया है। जनरली कहीं पर भी होता है तो वी हैव टू डू दैट पैकिंग ऑल्सो, बट ये पूरा रेडी है, हाइमस हॉट गार्लिक सॉस के साथ रेडी है। तो चलिए ट्राई करते हैं। विल ट्राई फलाफल, इसके अंदर काफ़ी अच्छे पैटीज एंड वो सब डाला है। किसके साथ ट्राई करें? पहले हाइमस के साथ ट्राई करेंगे। वेरी गुड। मुझे ऑलवेज कंप्लेंट रहती थी कि ये जो ऊपर पिटा ब्रेड है ना, वो मुझे कच्चा लगता था, पर इन्होंने जो ग्रिल किया वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। डिप के साथ ट्राई करते हैं। वेरी गुड, हॉट गार्लिक डिप के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये बनने जा रहा है सिजलर, 2-in-1 सिजलर नाम है इसका। फर्स्ट ये बनेगा सिजलर के लिए मैक्सिकन राइस, जिसमें बीन्स, कॉर्न, कैप्सिकम एंड काफ़ी सारे वेजिटेबल्स विथ लॉट्स ऑफ सिजलिंग मसाला एंड देयर स्पेशल चटनी एंड राइस। ये बन गया हमारा मैक्सिकन राइस विथ टबास्को एंड वेरी डिफरेंट सॉसेस। ये रेडी है मैक्सिकन राइस फॉर द सिजलर। इसको हम सेपरेट करके वो लोग ने रख दिया है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मेकिंग पास्ता, क्योंकि इनके सिजलर में राइस है, पास्ता है एंड ऑल सारी चीज़ें हैं। तो ये पिंक सॉस पास्ता बनने जा रहा है, साथ में क्रीम चीज़ एंड रेड सॉस की ग्रेवी रहेगी, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड पास्ता विथ सम सीजनिंग मसालास। तो ये रेडी हो गया है पास्ता, फ्रेश बेजिल एंड चीज़ तो भाई चाहिए ही चाहिए, तो ये हमको अच्छा लगता है। एंड ये बनने जा रहा है, ये जो सिजलर के लिए जो वेजिटेबल सौते होते हैं वो कर रहा है, फ्रेश वेजिटेबल सौते कर रहे हैं, जिसके अंदर है मशरूम, जुकीनी, ब्रोकली, कैप्सिकम, बेबी कॉर्न एंड काफ़ी सारे वेजिटेबल्स। ये मुझे स्मेल बहुत पसंद है एक्चुअली, मसाले की जो सौते करने की। ये सिजलर की प्लेट गर्मा गर्म, उसके ऊपर बाउल के अंदर मैक्सिकन राइस, पास्ता, सौते वेजिटेबल्स एंड ये है क्रीम चीज़ सॉस जो उन्होंने बना के रखता है वो है विथ सम चीज़ एंड इट्स रेडी। ये बटर डाल के वो गर्मा गर्म सर्व करता है सिजलर को। तो ये सिजलर स्ट्रीट फूड के लिए रेडी है, इसके ऊपर फ्रेंच फ्राइज़ भी रहेगी एंड इट्स कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 300, बट
ट्रस्ट मी ये काफ़ी ज़्यादा लोडेड है एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दिस ओनली। तो अभी आपने देखा सिज़लर, स्ट्रीट फूड में सिज़लर वेरी फर्स्ट टाइम हम लेके आए हैं आपको। यहाँ पे लारी में मैक्सिकन सिज़लर वो भी मिलेगा, इसका नाम है 2-in-1 सिज़लर, 300 प्राइस है इसकी। आपने पूरा मेकिंग तो देख लिया होगा, एकदम मज़ेदार लग रहा है। स्ट्रीट फूड में सिज़लर खाने का जो मज़ा है ना, आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड। तो चले ट्राई करते हैं। तो यार सिज़लर पहले तो ये बाउल में है, बाद में हम प्लेट में निकालते हैं। पहले तो वेरी फर्स्ट मैं सब ट्राई करूँगी इसके साथ, पहले राइस ट्राई करते हैं। मैं पहले ही बाइट लेने गई, मुझे बहुत गर्म लगा, मैं एकदम शांति से खाऊँगी। इट्स रियली अमेजिंग, गर्मा गर्म। अब हम पास्ता ट्राई करते हैं, पास्ता विद सॉर्टेड वेजिटेबल्स जो है ना वो। ये इतना गर्मा गर्म है ना, गर्मा गर्म खाने में बहुत मजा है। लेट्स ट्राई पास्ता। इट्स वेरी गुड, ये मस्ट ट्राई करने वाली चीज है, एकदम गर्मा गर्म। टू गुड। ये हमारा हाथ में क्रीम ऑफ मशरूम सूप। स्ट्रीट फूड में इस टाइप के सूप मैं देख के एकदम दंग रह गई, लाइक जो रेस्टोरेंट में फाइव स्टार रेस्टोरेंट में मिलता है वो अब स्ट्रीट फूड पे मिल रहा है। लेट्स ट्राई टेस्ट कैसा है, तो आपको पता चलेगा कि क्या कंपैरिजन है। लेट्स ट्राई। वाओ, मतलब कितनी अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट से बीट करता है ये वाला। क्रीम ऑफ मशरूम सूप इज वेरी गुड, दिस इज मस्ट ट्राई सूप। आप यहाँ पे आइए, एक बार ट्राई कीजिए क्रीम ऑफ मशरूम सूप, फाइव स्टार होटल को भूल जाएंगे, इतना अच्छा है। तो हमने ऑर्डर किया था दो सूप, मैक्सिकन टॉर्टिला एंड क्रीम ऑफ मशरूम। क्रीम ऑफ मशरूम तो आपने देख लिया कितना अच्छा था, मैक्सिकन टॉर्टिला भी ट्राई करते हैं। वेरी गुड, मतलब ये सारे सूप ना मैं स्ट्रीट फूड में देख के ऐसे सूरत पे मेरे को प्राउड होता है कि ऐसे सूप भी अभी स्ट्रीट फूड में लारी पे मिलने लगे, और वो भी इतने अच्छे टेस्ट में। आई मीन कुछ रेस्टोरेंट में तो ऐसे सूप मिलते भी नहीं है, सिर्फ फाइव स्टार में मिलते हैं, एंड दिस वन इज़ वेरी गुड। आप ये मस्ट ट्राई कीजिएगा सारे, बहुत गर्म गर्म है। क्या बनने जा रहा है? मैक्सिकन राइस विथ थाई करी। थाई करी स्ट्रीट फूड में सूरत में अभी काफ़ी डेवलप हुआ है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड। मतलब थाई के लिए आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रीट फूड में भी मिल जाएगा। ये जो कोकोनट है और कोकोनट क्रीम है, कोकोनट ऑयल मिल्क है, एंड दिस स्पेशल कोकोनट चटनी वो उन्होंने डाली है, थाई पेस्ट थी वो जिसको मिक्स करके बना रहे हैं। ये रेडी है थाई करी विथ सम ऑथेंटिक टेस्ट एंड सम वेजिटेबल विथ सम नींबू, एंड इट्स रेडी। ये थाई करी रेडी है विथ मैक्सिकन राइस, तो लेट्स ट्राई। इट्स कॉस्ट ऑफ ₹230। तो ये हमारे पास मैक्सिकन राइस विथ थाई करी। थाई करी आप देख रहे हो काफ़ी अलग तरीके से उन्होंने बनाई है, और मेन चीज़ स्ट्रीट फूड में थाई करी बहुत ही यूनिक मिलती है। इन पूरी की प्राइस है 230। लेट्स ट्राई मैक्सिकन राइस विथ थाई करी। तो ये है थाई करी, विल ऐड दिस एंड देन ट्राई। मैक्सिकन और थाई दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। प्रॉपर थाई करी का टेस्ट आया, लाइक जो कट कोकोनट और उसका जो टेस्ट है ना थाई में वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। इफ़ यू आर अ थाई फूड लवर ना, ये एक बार ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा है। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे अलग अलग चीज़ें जो स्ट्रीट फूड में बहुत ही रेयर है वो आपको दिखाया। आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, और आप यहाँ पे आए हो तो मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको क्या पसंद है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट इन सूरत।